हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लक में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आ जाए SSC की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, तो फिर से मैं आप लोग को आज अप्लाई करके मैं आप लोग को फिर से दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को एंड तक देखते रहना और बने रहना। दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, एंड तक देखते रहना, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करोगे तो दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, देख सकते हो फाइनली SSC की तरफ से आप लोग को पढ़ाएगा दोस्तों, न्यू रिक्रूटमेंट आया है। तो मेरा प्रोफाइल देख सकते हो, फाइनली मेरा प्रोफाइल लॉगिन कर चुका है दोस्तों। आपको भी आपको सबसे आपका प्रोफाइल लॉगिन कर लेना दोस्तों। यहाँ पर आप अभी ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है दोस्तों, जूनियर इंजीनियरिंग का भी अप्लाई चल रहा है, वो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है। वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देख लेना। वीडियो देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो बात आती है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को सब इंस्पेक्टर का भी आप लोग को देने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से आप लोग को अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारे इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम वेस्ट करके चलो आगे, बट लेट गेट स्टार्ट है। यहाँ पर आप लोग को कब से कब तक ये ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट भी देने को मिलेगा सारे। तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों, सिंपली से अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों, इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को सारी डिटेल आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट इस यहाँ पर आप लोग को इंटरफेस देने को मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग को क्या करना है दोस्तों, नंबर 16 पॉइंट पर डायरेक्ट आ जाना दोस्तों। इसमें पूछा गया दोस्तों, आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस। अगर आप दिल्ली पुलिस में अगर नौकरी कर रहे हैं तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैं नो कर लिया, उसका बाद दोबारा से आप लोग को कंफर्म कर देना, नो कर देना दोस्तों। उसके बाद इसमें बताएगा दोस्तों 17.1 पर बताएगा दोस्तों, आर यू ए नेशनल कैडेट का। अगर आप NCC का, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। सपोज आपके पास यस करोगे तो सिंपली से दोबारा से आप लोग को यस कर। तो चलो, मेरा NCC का सर्टिफिकेट नहीं है दोस्तों। अगर NCC के सर्टिफिकेट अगर यस करोगे तो सिंपल NCC का आपका सर्टिफिकेट टाइप क्या है, NCC सर्टिफिकेट टाइप आप लोग को पता है दोस्तों। NCC में A सर्टिफिकेट, B, C सर्टिफिकेट होता है, तो आपको भी आपको हिसाब से NCC के सर्टिफिकेट है आपको सेलेक्ट कर लेना। तो चलो, मेरा पास NCC का सर्टिफिकेट नहीं है, तो चलो मैंने नो कर दिया दोस्तों। उसके बाद इसमें एग्जाम सेंटर प्रिफरेंस 1 प्रिफरेंस 2 आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। इंडिया में जितना एग्जाम सेंटर है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा, तो आपको भी आपको हिसाब से एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना। तो चलो, मेरा हिसाब से मैं एग्जाम सेंटर सारे मैं सेलेक्ट कर लेता दोस्तों। तो दोस्तों, देख सकते हो फाइनली मेरा एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आप लोग को फिर से 19.1 पर विदर यू आर नेक्स्ट सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो, मैं नो कर लिया दोस्तों। उसके बाद नीचे इस तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों। 21.1 पर अगर देखोगे तो विदर सीकिंग एज रिलेक्शन, अगर आपको एज रिलेक्शन चाहिए तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो, मैं एज रिलेक्शन नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पर आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन देने को मिलेगा। तो चलो, मैं BA है, अगर MSc जो भी आपका क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। तो आपको क्या ऊपर वाला आप लोग को सिलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन आप लोग को सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद इसमें स्टेटस के बात करें तो यहाँ पर आप लोग को सिंपली से स्टेटस बटन पर क्लिक करके आपका ग्रेजुएशन जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है अपीयरिंग है पास, यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर देना। तो चलो, मैं अपीयरिंग में सिलेक्ट करने वाला दोस्तों। इसमें बताना चाहूंगा, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग पास है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, जो लोग अपीयरिंग है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोग को साफ साफ बताना चाहूंगा दोस्तों। तो चलो, मैं अपीयरिंग मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। अगर पास सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपका कौन सा ईयर में पास के सेलेक्ट करना दोस्तों, रोल नंबर परसेंटेज आपको डालना होगा दोस्तों। अगर मैंने अपीयरिंग डाला इस तो इसलिए ईयर ऑफ पासिंग अभी तक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आप लोग को स्टेट देखने को मिलेगा, कौन सा स्टेट में आपने ग्रेजुएशन पढ़ाई किया है वहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। इंडिया में जितना स्टेट है यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा, तो आपको भी आपको हिसाब से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद फिर से आपका यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट करना हो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो अगर कुछ इसमें आपका स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आता, आप लोग को सबसे नीचे वाला आदर्श ऑप्शन वाला सेलेक्ट कर देना। इसमें आप लोग को रोल नंबर परसेंटेज देने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, अगर अपीयरिंग दोगे तो। अगर पास स्टेटस में अगर पास करोगे तो आपको ईयर ऑफ पासिंग देना होगा दोस्तों, रोल नंबर परसेंटेज और CGPA आपको डालना होगा दोस्तों। 24 पॉइंट दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर, डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्म, आपका जो आपने फॉर्म भरा और आपका डिटेल में
12 है, अगर बाद में भी अगर एडिट करना चाहते हो तो सिंपली से यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मैं नो कर लेता हूँ क्योंकि मैं एडिट नहीं करना चाहता हूँ, जितना मेरा फॉर्म भरा है पूरा सही है दोस्तों। सिंपली से नीचे स्क्रॉल डाउन कर दे, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना हो दोस्तों। फोटो एंड सिग्नेचर साइज आप लोग को पढ़ाएगा दोस्तों 20 to 50 KB के बीच में अपलोड करना हो दोस्तों। सिग्नेचर के बात करो तो 10 to 20 KB। तो फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से आपका फोटो सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैंने फोटो सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। इस तरफ से आपको आपका फोटो के ऊपर इस तरफ से आप लोग को डेट मेंशन करना जरूरी है दोस्तों। SSC आप लोग को पता है दोस्तों, अगर SSC तो आप लोग को फोटो के ऊपर डेट मेंशन नहीं करोगे तो आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इस तरफ से आप लोग को जिस दिन आप अप्लाई करें उस दिन का डेट आप लोग को इस तरफ से आपको डालना जरूरी है दोस्तों। सिंपली से उसका बाद सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से क्या करना दोस्तों, चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका सिग्नेचर साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा सिग्नेचर मैं फटक से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो एंड सिग्नेचर फाइनली अपलोडेड हो चुका है दोस्तों। उसका बाद सिंपली से फोटो के ऊपर यस बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे यस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को आई एग्री ऑप्शन देने को मिलेगी, यहाँ पर आप लोग को टिक मार्क कर देना दोस्तों। उसका बाद ये कैप्चा आपको देख रहे दोस्तों सिंपली से इस पर डाल देना, उसका बाद प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना। तो चलो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मैं फटक से फिलअप कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी फिलअप कर दिया दोस्तों। उसका बाद आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रीव्यू ऑप्शन बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो गाइस देख सकते हो फाइनली उस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगी। ये प्रीव्यू ऑप्शन है, ये अगर फाइनल सबमिशन करने से पहले आप लोग को अच्छा से देख लेना दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से अच्छा से देख लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से अच्छा से मैं देख लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से मैंने देख लिया। अगर एडिट करना चाहते हो तो दोस्तों सिंपली से एडिट मॉडिफाई बटन पर क्लिक करके जो भी गलत है आपका डिटेल है एडिट कर सकते हो। अदरवाइज सिंपली आप लोग को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से पूछा जाएगा, इसमें अगर एक बार सबमिट करोगे तो दो बार से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों। तो चलो ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे ओके बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो रहा है। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को घूमेगा थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना हो दोस्तों। तो चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो गाइस देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है। तो प्रिंट आउट फॉर्म लेने के लिए दोस्तों सिंपली से प्रिंट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रिंट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली डाउनलोड हो रहा है। तो चलो मैं फाइनली ओपन करके मैं आप लोग को दिखाता हूं दोस्तों। देख सकते हो फाइनली प्रिंट आउट फॉर्म हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को देख लेना दोस्तों। तो चलो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलते रहेगा, पूछते रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले, लाइक करना ना बोले। जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस चैनल में मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।